शत मानजिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुग्राफिया सातवीं जमात के लिए, इसमें हम देखेंगे सबक नंबर 8 मौसम का पन्ना हिस्सा 2, और उसमें हम आज करेंगे मशकी सवाल और जवाब। तो इसमें सबसे पहले हम देखें मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान मुकम्मल कीजिए। तो उसमें सबसे पहला सवाल है सूरज की कयासी गर्दिश यानी, तो उसमें ऑप्शन है अलीफ सूरज साल भर ज़मीन के गिर्द घूमता है, बे सूरज के साल भर बारिश शुमाल और जुनूब की जानिब सरकने का गुमान होता है, जी ज़मीन मसलसल हरकत करती है। तो सूरज की कयासी गर्दिश यानी उसका मुतबादिल बे है, सूरज के साल भर शुमाल और जुनूब की जानिब सरकने का गुमान होता है। फिर आएंगे सवाल नंबर 2, ज़मीन का महवर अगर झुका हुआ ना होता तो, ऑप्शंस है इसके अलीफ ज़मीन खुद अपने महवर पर गर्दिश ना करती, बे ज़मीन सूरज के गिर्द ज़्यादा रफ्तार से घूमती, जीम ज़मीन के मुख्तलिफ अर्ज़ुल बल्दों पर साल भर एक ही मौसम रहता। तो इसका सही मुतबादिल है जीम, ज़मीन का महवर अगर झुका हुआ ना होता तो ज़मीन के मुख्तलिफ अर्ज़ुल बल्दों पर साल भर एक ही मौसम रहता। फिर आएंगे सवाल नंबर 3 पर, 21 जून और 22 दिसंबर यौम ऐन कहलाते हैं क्योंकि, ऑप्शंस है अलीफ 21 जून को सूरज खते सरतान से जुनूब और 22 दिसंबर को खते जद्दी से शुमाल की जानिब सफ़र करता है, बे सूरज की जुनूबी रविश 21 जून से 22 दिसंबर के दरमियान होती है, जीम ज़मीन की शुमाली रविश 21 जून से 22 दिसंबर के दरमियान होती है। तो इस हम देखेंगे 21 जून और 22 दिसंबर यौम ऐन कहलाते हैं क्योंकि, ऑप्शन अलीफ सही है 21 जून को सूरज खते सरतान से जुनूब और 22 दिसंबर को खते जद्दी से शुमाल की जानिब सफ़र करता है। इसके बाद हम आएंगे सवाल नंबर 4 पर, सूरज के गिर ज़मीन की गर्दिश और ज़मीन के महवर के झुकाव के मजमूई असरात की वजह से मुंदरजा ज़ैल मौसम बनते हैं, अलीफ है गर्मा बरसात मानसून की वापसी और सरमा, बे है गर्मा और सरमा और बहार, और जीम है मौसम गर्मा मौसम सरमा। तो सूरज के गिर ज़मीन की गर्दिश और ज़मीन के महवर के झुकाव के मजमूई असरात की वजह से मौसम गर्मा और मौसम सरमा बनते हैं। अब आएंगे सवाल नंबर 2 की तरफ, मुंदरजा ज़ैल सवालों के जवाब लिखिए। तो उसमें सबसे पहले है शुमाली निफ्स कुर्रे में मौसम की इस तरह वजूद में आते हैं, तो हम इसका जवाब देखेंगे कि ज़मीन जो है बैजवी गर्दिश का रास्ता है और इसके महवर का झुकाव की मजमू असरात की वजह से मुख्तलिफ औकात में शुमाली निफ्स कुर्रे पर सूरज से मिलने वाली हरारत में फ़र्क पड़ता है, इस वजह से शुमाली निफ्स कुर्रे इसकी वजह से शुमाली निफ्स कुर्रे में हम हर साल गर्मा और सरमा दो मौसमों को महसूस करते हैं। साल के दौरान शुमाली निफ्स कुर्रे में ये दो मौसम होते हैं और यक के बाद दिगर आते रहते हैं, इस तरह शुमाली निफ्स कुर्रे में मौसम वजूद में आते हैं। सवाल नंबर 2 है, हालत एतदाल में ज़मीन पर दिन के वक्फे कैसे होते हैं। हालत एतदाल में ज़मीन पर दिन और रात का वक्फा यकसा होता है यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। इसके बाद है सवाल नंबर 3, इस्तवाई इलाकों में मौसमों के असरात का एहसास नहीं होता। जवाब है इस्तवाई इलाकों में साल के बशतर दिनों में सूरज की शुआ उमूदन पड़ती है, इसलिए इस इलाके में दिन और रात का वक्फा करीब करीब यकसा होता है। इसी तरह साल के मुख्तलिफ अवकात में सूरज इसलिए इस इलाके में दिन और रात का वक्फा करीब करीब यकसा होता है। इसी तरह साल के मुख्तलिफ अवकात में सूरज से हासिल होने वाली हरारत में कोई ख़ास फ़र्क ना होने की वजह से मौसम की कैफियत में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, इस वजह से इस्तवाई इलाकों में मौसम के असरात का एहसास नहीं होता। इसके बाद है हमारा सवाल नंबर 4, जुनूबी रविश में अंटार्कटिक खत से जुनूबी कुतुब के दरमियान सूरज 24 घंटों से ज़्यादा वक्त तक क्यों दिखाई देता है। तो उसका जवाब हम देखेंगे, अंटार्कटिक खत से जुनूबी कुतुब के दरमियान सूरज की किरणें कभी भी उमूद नहीं पड़ती। 23 सितंबर से 21 मार्च के अरसे में ज़मीन के जुनूबी निफ्स कुर्रे में अंटार्कटिक खत के जुनूबी कुतुब के दरमियान 24 घंटे या इससे ज़्यादा का वक्त तक सूरज दिखाई देता है, इस वजह से जुनूबी रविश में अंटार्कटिक खत से जुनूबी कुतुब के दरमियान सूरज 24 घंटे से ज़्यादा वक्फे तक दिखाई देता है। सवाल नंबर 5 है, शुमाली कुतुब पर पेंगुइन क्यों नहीं पाए जाते। तो जवाब है, पेंगुइन ऐसे परिंदे हैं जो उड़ नहीं सकते या तेज़ दौड़ नहीं सकते, और शुमाली कुतुब के इलाकों पर रेंडियर
खुद भी रीछ और खुद भी रोमड़ी जैसे जानदार पाए जाते हैं। इन जानदारों से पेंगुइन को खतरा होता है और वो अपने बचाव नहीं कर सकते, इसलिए कदीम ज़माने से पेंगुइन सिर्फ जनूबी कुतुब पर ही पाए जाते हैं और शुमाली कुतुब पर नहीं पाए जाते। इसके बाद हम देखेंगे सवाल नंबर 3, मुंदरजा ज़ैल बयानत को दुरुस्त करके दोबारा लिखिए। तो हमको ये बयानत देखने हैं, अगर वो सही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हमको दोबारा लिखना है। तो उसमें सबसे पहले है, ज़मीन की मदारी गर्दिश के अरसे के मुताबिक रफ्तार में कमी बेशी होती है। तो ज़मीन के करीबी शमसी और बूदे शमसी हालात के मुताबिक रफ्तार में कमी बेशी होती है। सवाल नंबर 2, हम अगर सूरज की जानिब शुमाल निस्फुरे में देखें तो हमें सूरज की क्यासी गर्दिश का एहसास होता है। हम सूरज की जानिब शुमाली या जुनूबी किसी भी निस्फुरे से देखें तो निस्फुरों से हमें सूरज की क्यासी गर्दिश का एहसास होता है। सवाल नंबर 3 है, योम इस्तवा की तारीख हर साल बदलती रहती है। तो योम इस्तवा की तारीख एक आध दिन के करीब के फ़र्क से हर साल बदलती रहती है। सवाल नंबर 4 है, शुमाली कैंडानार में सितंबर से मार्च मौसम में गर्मा होता है। तो सही जवाब है, शुमाली कैनेडा में जो है सितंबर से मार्च मौसम में सर्मा होता है। सवाल नंबर 5 है, जब जुनूबी अफ्रीका में मौसम में गर्मा होता है उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौसम में सर्मा होता है। तो जब जुनूबी अफ्रीका में मौसम में गर्मा होता है उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में भी मौसम में गर्मा होता है। फिर हमारा आखिरी सवाल है, एतदाल बहार और एतदाल खजा के दरमियानी अरसे में दिन छोटे होते हैं। तो एतदाल बहार और एतदाल खजा के दरमियान अरसे में दिन और रात का वक्फा यकसा होता है, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। फिर हम देखेंगे सवाल नंबर 4, मुंदरजा शक्ल में गलतियों की निशानदेही कीजिए। तो हमें जो शक्ल दिखाई दे रही है तो हमको उसमें गलत चीज़ की निशानदेही करनी है। तो हम देखेंगे कि जो 21 जून लिखा है, जबकि वो 21 जून नहीं 22 दिसंबर है, और जो 22 दिसंबर है वहाँ पर 21 जून की तारीख आएगी। तो ये जो है जुनूबी निस्फुरे की जो है सवाल नंबर 5 में जो है हमको जुनूबी निस्फुरे में मौसमों का चक्कर बताने वाली शक्ल बतानी है। तो हम देखेंगे इसकी शक्ल आपको दिखाई देगी, जो ये शक्ल है ये जुनूबी निस्फुरे के मौसमों का चक्कर है, जो कि हम अभी देख चुके हैं, जो हमने करेक्शन किया था वही इसमें शक्ल आएगी और इसमें तकरीबन वही चीज़ आपको दिखाई देगी। तो इस तरह से आपको ये तमाम सवालों के जवाब अपनी बयाज में नोट डाउन करना है और उसको अच्छे से पढ़ना है।